हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिसर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस COVID-19 के कारण देश की आज सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। देश के कई राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और हमें इस स्थिति से देश को बाहर लाना है। कोशिश करें कि गवर्नमेंट एडवाइजरी की गाइडलाइंस को फॉलो करें। गाइडलाइंस आई थिंक सभी को पता होगी, गवर्नमेंट वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप अपडेट रहें और अपने आप को प्रिवेंट रखें। कोशिश करें घर पर ही बैठे, घर के बाहर ज़्यादा ना निकले और ज़्यादा ट्रेवल ना करें। एक जगह पर कलेक्ट होने से बचे, सेफ रहे, पब्लिक प्लेसेस से बचे, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट ने अभी 10th और 12th की एग्जाम दी है और 20 मार्च के बाद के होने वाले पेपर उनके स्थगित कर दिए गए हैं, परंतु उन पेपरों की एग्जाम कब होगी इसकी डेट अभी तक CBSE ने घोषित नहीं की है। हम लोग बात कर रहे हैं आज जूनियर विंग्स की, मीन्स क्लास 1 से 9 तक। क्लास 1 से 9 तक के सारे स्टूडेंटों को बिना एग्जाम से प्रमोट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात स्टेट की नई न्यूज़ अभी सामने आई है। गुजरात स्टेट ने इसको फॉलो करते हुए बोला है, जो भी 1 से 9 तक के स्टूडेंट थे उन्हें बिना एग्जाम लिए ही प्रमोट कर दिया जाएगा। जिन स्कूलों में एग्जाम नहीं हुई है या कुछ ही पेपर हुए हैं, कुछ पेपर बच गए, तो उन बच्चों के अब पेपर ना लेकर ही उन्हें अगली क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। साथ ही 11th क्लास की जिसने एग्जाम दी है और कुछ पेपर बचे हैं, उन बच्चों को भी 12th क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। यह सारी कोशिशें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए की जा रही है। सभी 1 से 9 तक के स्टूडेंटों को अपने इंटरनल मार्किंग के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट बना दिया जाएगा और अपलोड कर दिया जाएगा और साथ ही उनको नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र RSK ने भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए कि 1 से 9 क्लास तक के सारे स्टूडेंट को नई क्लास में पदोन्नत कर दिया जाए, यानी कि प्रमोट कर दिया जाए। साथ ही आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने भी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को 9वीं से 11वीं की कक्षाओं के परिणाम से जुड़े जानकारी 28 मार्च तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए थे। तो सभी जानकारी को देखें तो जो भी स्टूडेंट 1 से 9 में थे और 11th की एग्जाम दिए, उन लोगों को बिना एग्जाम दिए ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। बात करते हैं आपके नेक्स्ट सेशन की कि नया सेशन आपका कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ऑब्वियसली अभी 31 मार्च तक के लिए तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सारे बंद है, उसके बाद भी कोई भी आगामी आदेश आने की आसार नहीं दिख रहे हैं, तो संभव है कि यह सेशन काफी लेट जाएगा आप लोगों का। CBSE सचिव अनुराग त्रिपाठी जी के अनुसार यह भी बात सामने आई है कि दीक्षा पोर्टल, जो कि HRD मिनिस्ट्री का एक पोर्टल है दीक्षा पोर्टल, उस पर ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, उन ऑनलाइन लेक्चरों के माध्यम से ही बच्चों को आगे की पढ़ाई करवाई जाएगी। और साथ ही तो जो छुट्टियां मई जून में होती थी उन्हें अप्रैल मई में कर दें और जून से क्लासेस शुरू कर दें, ऐसा भी कोई सुझाव कुछ स्कूल सचिव महोदय को दे रहे हैं। तो मे बी पॉसिबल कि आपके नए सेशन जून से ही स्टार्ट हो जाए और ज़्यादातर आप लोगों को अब ऑनलाइन स्टडी पर फोकस करना चाहिए। काफी पोर्टल, काफी यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं जिन पर आपको एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स और आपके NCERT के सिलेबस अवेलेबल है, तो आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन पर ध्यान दें, छुट्टियों को वेस्ट ना करें, सेल्फ प्रैक्टिस करने में ध्यान लगाएं। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, कोरोना वायरस एक टेम्परेरी फेज है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया में सब लोग बहुत ही अवेयर है और इस सिचुएशन को बहुत ही जल्दी ओवरकम कर लेंगे। और हमें हमारी गवर्नमेंट पर भी कॉन्फिडेंस है कि वो गाइडलाइंस दी जा रही है, उन गाइडलाइंस को जस्ट हम लोग फॉलो करेंगे तो जल्दी इस फेज से बाहर आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए सबसे पहले। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।